वेलकम टू आइस टीचिंग। आज की वीडियो में हम साड़ी में से बनाए गाउन में कैसे बॉर्डर लगाते हैं वो सीखेंगे। देखिए, हमारी गाउन की जो पूरी लेंथ है वो 52 इंच की है और जो ऊपर का ये जो पार्ट हमने कटिंग किया था वो हमारा 33 इंच प्लस 1 इंच सीम अलाउंस, मतलब 34 इंच का है। तो बाकी की जो लंबाई है उसकी हम बॉर्डर लगाएंगे, और जो बॉर्डर है वो साड़ी में से ही हमने निकाली है, वो उसमें हमें अटैच करनी है। जब आपकी लेंथ कम निकल रही हो तो आप इस हिसाब से इस तरह से लेंथ को लंबा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बॉर्डर लगाने के बाद हमारा 52 इंच का पूरा गाउन रेडी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सीखना है कि ये बॉर्डर है वो हम इसमें किस तरह से लगाते हैं। तो ये हमने अम्ब्रेला कट का फ्लेयर बनाया है इसमें। तो कितनी हमें लेस, मतलब बॉर्डर कितनी चाहिए वो पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे और देखेंगे, मेज़रमेंट करेंगे। यहाँ से पूरा जो नीचे का राउंड है वो मेज़र करेंगे, तो ये जितना आएगा उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। जो 37 इंच का हमारा नीचे का फोर्थ पार्ट का राउंड आया है तो हमें इसका 4 गुना बॉर्डर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे इस तरह से 37 रख के मेज़र कर लेंगे एक पार्ट का, फिर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये फ्रंट का बॉर्डर हो जाएगा, और फिर इसे इस तरह से करेंगे तो ये बैक और फ्रंट दोनों का मिला के पूरी हमारी बॉर्डर की लंबाई निकल जाएगी। तो इस तरह से इतनी हमें बॉर्डर कट करनी है, और इतनी जो बॉर्डर है वो एक्स्ट्रा बचेगी। तो यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा ही कट कर लेंगे, कम नहीं होनी चाहिए। तो अब हम ये जो बॉर्डर है उसकी जितनी भी लेंथ है, मेज़रमेंट मतलब जितनी लंबाई की है ये, उतनी ही लंबाई का हमें दूसरा एक पीस लेना है। आप साड़ी में से भी ले सकते हैं, या आप इसे लाइनिंग के कपड़े में से, मतलब अस्तर में से भी ले सकते हैं। अब हमें इसके साथ इसको अटैच करना है, इसके साथ जॉइंट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम, इसे इस तरह से रखना है राइट साइड ऊपर की तरफ, दोनों की राइट साइड एक साथ रखेंगे इस तरह से, एक के ऊपर एक को रखना है। और यहाँ पे नीचे हमें स्टिच करनी है, ये एकदम स्ट्रेट स्टिच ही है, पूरे में हमें स्ट्रेट स्टिच ही कर देनी है। देखिए इस तरह से हमें स्टिच कर लेनी है, जितनी भी लंबी बॉर्डर है उस लंबी बॉर्डर में ये देखिए हमने स्टिच कर ली है, दोनों को एक साथ जॉइंट कर लिया है। अभी जो नीचे का जो स्टिचिंग वाला पार्ट है वहाँ पे हम छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे, और इसे फिर हमें टर्न करना है। तो देखिए इस तरह से हम इसे इस तरह टर्न करेंगे, जितनी भी सीम अलाउंस है वो इस साइड पे, नीचे की साइड पर रहेगी। ये देखिए यहाँ पे हमें एक टॉप स्टिच करनी है, ठीक है, यहाँ पे हम एक स्टिच करेंगे, जितनी भी सीम अलाउंस है वो नीचे की साइड पर है, और पूरे में एक स्ट्रेट टॉप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हो गया है, इससे वो आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। हमें एकदम अच्छे से इसे फोल्ड करनी है। देखिए हमने फोल्ड कर ली है, मैंने फिर इसके ऊपर एक प्रेस भी कर लूँगी, अच्छे से आयरन कर लूँगी, तो हमारी एक स्ट्रेट बॉर्डर हमें बना देनी है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम इसे प्रेस कर लेंगे, और अब यहाँ पे भी मैं एक स्टिच कर लूँगी जिससे ये अच्छे से फिक्स हो जाए। यहाँ पे पूरे में एक स्ट्रेट स्टिच कर लूँगी, ये भी हमें स्ट्रेट स्टिच ही करनी है। तो मैं आपको फास्ट में दिखा देती हूँ, ये देखिए पूरी हमारी जो बॉर्डर है वो रेडी हो गई है। ये देखिए अभी दोनों को हमें एक जैसा रखना है, जो नीचे की और ऊपर की एक जैसी ही लेंथ होनी चाहिए। थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा है तो हमें इसे कट कर लेना है, दोनों पीस एक जितनी लंबाई के ही होने चाहिए। तो इस तरह से मैं आपको पूरा कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अभी यहाँ की साइड सीम हमें थोड़ी सी खोल लेनी है, और यहाँ पे इसे इस तरह से हमें रखना है लेस को। ये देखिए फिर इस लेस को हमें इस तरह से ओपन करना है, मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ की थोड़ी सी साइड सीम खोल ली है, यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर को रखना है, इसे इस तरह से ओपन करेंगे, और इसे इस तरह से हमें जॉइंट करना है। अभी ये देखिए
इसको भी हमें स्ट्रेट स्टिच ही करनी है। पूरे राउंड में हमें इस बॉर्डर को इस तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे हमें इसे पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से सिर्फ स्टिच ही करना है पूरे राउंड में। तो मैं इसे भी आपको एकदम फास्ट में दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी बॉर्डर लग गई है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम इस तरह से टर्न करेंगे, सारी सीम अलाउंस नीचे की तरफ टर्न करके यहाँ पे इस तरह से टॉप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे स्टिच कर लेना है। मैं आपको पिंस लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे नीचे की साइड की बॉर्डर और ऊपर की साइड की जो बॉर्डर है वहाँ पे एक भी क्रीज नहीं रहनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं तो नीचे का अगर बॉर्डर का पीस लंबा होगा तो वो नीचे से दिखाई देगा, तो वो ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरह से सारे सीम अलाउंस नीचे की तरफ रखनी है और इसे यहाँ से फोल्ड करके इस तरह से हम जो पिंस लगा रहे हैं वहाँ पे हमें टॉप स्टिच कर लेनी है पूरे राउंड में। ये देखिए इस तरह से हम पूरे राउंड में हमें इसे स्टिच कर लेना है। सिर्फ आगे और पीछे की जो लेस है उसमें एक भी क्रीज नहीं रहनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरह से, देखिए इसे इस तरह से स्ट्रेट करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। आपको अच्छे से इसे बिठाते जाना है, एक भी क्रीज नहीं रहे। इस तरह से आपको सिर्फ टॉप स्टिच करनी है, कुछ भी आपको खींचना नहीं है। और ऊपर का पल्ला जो है मतलब ऊपर की जो बॉर्डर है उसे ढीली छोड़ते हुए जाना है, हमें प्लीट्स नहीं लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो ऐसे ढीला छोड़ते जाएंगे, वो अंदर ही स्टिच हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो छोटा सा गैप जैसा भी बनेगा, ये देखिए यहाँ पे इतना, लेकिन उसे हम ऐसे ही ढीला छोड़ के स्टिच कर लेंगे, प्लीट्स नहीं लेनी है हमें, ये आपको ध्यान रखना है। बस इस तरह से पूरे राउंड में मैं बॉर्डर को अटैच कर लेती हूँ। तो इसमें आगे और पीछे का फिनिशिंग मैं आपको दिखाऊंगी, इतना अच्छा आएगा कि बहुत ही अच्छे से ये प्रोफेशनल लुक में स्टिच हो जाएगी। ये देखिए अभी जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे और अभी हमें साइड को जॉइंट कर लेना है। तो ये देखिए हम यहाँ से बॉर्डर को एक के साथ एक इस तरह से पहले मैच करेंगे और जितना हमने ओपन किया था उससे 2-3 इंच ऊपर से हम इसे बैक टैक करके स्टार्ट करके पूरा स्टिच कर लेंगे जो साइड का पार्ट है। बॉर्डर को हमें एक के साथ एक मैचिंग करना है, लेंथ को छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए यहाँ से। तो इस तरह से हम इसे साइड सीम को जॉइंट कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम इस तरह से ट्रिम कर लेंगे। तो ये देखिए इतना प्रोफेशनल तरीके से हमने बॉर्डर को इसके साथ अटैच कर लिया, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से आप किसी भी कम लेंथ की, अगर आपको लंबाई निकल रही है तो इस तरह से आप लेंथ भी इसकी, इस तरह से आपकी गाउन की लेंथ आप इसे बढ़ा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से भी और पीछे से भी इसका फिनिशिंग आप देखिए, बहुत ही अच्छे से ये लग गई है। मैं आपको आप इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये देखिए मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से हमने इसे लगा दिया है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।